वहीं माफिया अशरफ के साले सद्दाम को पुलिस ने कुछ दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार किया है, लेकिन सद्दाम पर प्रयागराज पुलिस मेहरबान नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दो ऐसे मामले देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि प्रयागराज पुलिस माफिया के साले पर हमेशा मेहरबान रही है। सद्दाम के खिलाफ 30 सितंबर 2020 धूमनगंज पुलिस ने पीएम के बारे में अपशब्द बोलने पर मुकदमा दर्ज किया था। वहीं दूसरा मामला अतीक अशरफ की हत्या के पहले प्रयागराज पुलिस ने माफिया ब्रदर्स का उमेश पाल हत्याकांड मामले में बयान दर्ज किया था, जिसमें अतीक अशरफ ने अपने बयान में सद्दाम का नाम लिया है। इस बयान के बावजूद प्रयागराज पुलिस ने अभी तक उमेश पाल हत्याकांड में मुलजिम नहीं बनाया है। इन दोनों मामलों को लेकर देखिए प्रयागराज से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। माफिया अशरफ के साला सद्दाम, जिसके ऊपर मेहरबान है प्रयागराज पुलिस, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद आपको उदाहरण मिल जाएगा। दो एक ऐसे मामले हैं जिसके बाद आप खुद कहेंगे कि सद्दाम के ऊपर प्रयागराज पुलिस हमेशा मेहरबान रही है। मामला है सन 2020 में, सद्दाम ने अपनी फेसबुक आईडी से एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसके चलते प्रयागराज की जो शांति व्यवस्था थी वो खलम में आ सकती थी, जिसको लेके धूमनगंज थाने के एसआई जो हैं चंद्रभानु ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद वो विवेचना 2020 से 2023 तक चलती रही, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में उमेश पाल हत्याकांड के पहले जो धूमनगंज थाने के एक एसआई थे, उन्होंने उस मामले में एफआईआर लगा दी। उसमें कहा कि सद्दाम नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते इस पर एफआईआर लगा दी जाती है, तो साफ तौर पर उसको उसमें से बरी कर दिया गया। वहीं दूसरा मामला एक ऐसा है कि जिसके बाद आपको खुद लगेगा कि प्रयागराज पुलिस हमेशा क्यों मेहरबान रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड के पहले अतीक अशरफ ने इसी धूमनगंज थाने के अंदर बयान दिया था, जिसमें सद्दाम का भी नाम लिया था। सद्दाम को कहा था कि सद्दाम ही बरेली जेल के बाहर से बैठ के जो हमारे उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर्स थे उनकी पूरी मदद करी थी, उन्हें फर्जी आईडी से मिलवाने से लेकर कई ऐसे उसने बातों का खुलासा इन अशरफ और अतीक ने किया था। उसके बावजूद आज तक की बात की जाए, आज तक उमेश पाल हत्याकांड में सद्दाम को मुलजिम नहीं बनाया गया, जिससे साफ बड़ा सवाल उठता है प्रयागराज पुलिस पे, आखिर क्यों मेहरबान रहती थी सद्दाम के ऊपर प्रयागराज की पुलिस। तो अब देखना होगा कि प्रयागराज पुलिस कब उमेश पाल हत्याकांड में सद्दाम को मुलजिम बनाती है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।